वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 6 अगस्त 2020 6 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है जल निश्चय योजना। जी हाँ, बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी और बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। ठीक है, G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में किया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो क्या है, रियाद है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड, लेकिन उससे पहले गाइस आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया। महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। उन्होंने अश्वेत और अल्पसंख्यक नस्ल के लोगों को आधुनिक ब्रिटेन के निर्माण में मदद देने वाले लोगों के काम को मान्यता देने के अभियान का समर्थन किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। चलिए मूव करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की साइड। BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 साल। जी हाँ, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए नियम 2020-21 सीजन में BCCI के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू होंगे और नई नीति के मुताबिक अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान जाता है, यानी यह कबूल कर लेता है कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है, तो वह बच सकता है और इस बात को छिपाने पर अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो BCCI उसे 2 साल के लिए बैन भी कर सकती है। BCCI अंडर 16 एज ग्रुप टूर्नामेंट के लिए सिर्फ उन खिलाड़ियों को पंजीकृत किया जाएगा जिनकी उम्र 14 से लेकर 16 साल तक की है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 साल। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। किस देश ने दारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की, तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। जी हाँ, नेपाल ने दारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है। यह जिला भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेक और लिपियाथुरा के पास स्थित है। 3 अगस्त को APF कर्मियों की एक बटालियन ने क्षेत्र की सुरक्षा की देखरेख के लिए उत्तराखंड के धारचूला के पास नेपाल के दारचूला में एक बेस भी बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर है 40 करोड़। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हाल फिलहाल में आंकड़ों के अनुसार इन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है और जनधन खातों में यह सफलता योजना
की छठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। इस योजना का मकसद देश में तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 40 करोड़। चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शशिधर जगदीशन। इसका करेक्ट आंसर है शशिधर जगदीशन HDFC के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर MD होंगे। ठीक है, और जगदीशन वर्तमान में HDFC बैंक में एडिशनल डायरेक्टर और फाइनेंस एंड HR हेड के पोस्ट पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है शशिधर जगदीशन। चलिए मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की साइड। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। जी हाँ, 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आबिद हसन, मंटो हामिद खान और पाकिस्तान के पूर्वी अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान को कानूनी सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त करते हैं। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। चलिए मूव करते हैं आज के 8th क्वेश्चन की साइड। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 4। जी हाँ, 4 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? शिवाजी राव पाटिल का पुणे में निधन हो गया। उनकी उम्र 88 वर्ष, ठीक है, 88 वर्ष थी। और सॉरी, इसमें करेक्ट कर लीजिएगा, 88। ठीक है, शिवाजी पाटिल 1985-1986 में कुछ समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्हें लातूर के एक बड़े सहकारी नेता के रूप में भी जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है 8। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र के मुख्यमंत्री कौन? YS जगमोहन रेड्डी ने राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और CID द्वारा संयुक्त रूप से ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर साइबर अपराधियों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था और ई रक्षाबंधन के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं को YouTube चैनल के माध्यम से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से 1 महीने तक ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं आज कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को अब तक कितने राज्यों और कितने केंद्र प्रशासित राज्यों में विस्तार मिला? 24। जी हाँ, 24 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो के लाइक के टारगेट को अचीव नहीं किया तो फटाफट से वीडियो के लाइक के टारगेट को अचीव करें,
जो कि क्या है 1500 प्लस लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने सभी दोस्तों में, तो फटाफट से वेट मत कीजिए, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एसएससी मेकर को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। हम और हमारी टीम आपके साथ हमेशा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।